तो दोस्तों आपको पता है हमारी प्यारी शिनचैन के नाम पर एक टाउन और एक ट्रेन की सर्विस भी है। जापान का कासुकाबे टाउन जहाँ शिनचैन रहता है वो जगह शिनचैन टाउन के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिनचैन शो इतना प्यारा है कि उसे हर एक बच्चा पसंद करता है। उसके नटखट कारनामे की वजह से आज ये एनिमेशन पूरी दुनिया के बच्चों में एक अलग छवि बना चुका है। पर दोस्तों क्या आप जानते हो शिनचैन पहले भारत में बंद कर दिया गया था? और भी बहुत है बताने को, तो आज हम शिनचैन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे कि किस तरह से ये कार्टून दुनिया में इतना प्रसिद्ध होता जा रहा है और बच्चे इसके इतने दीवाने क्यों हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। शिनचैन सबसे पहले मांगा के कॉमिक बुक में 1990 में आया था। इसको करीब दो साल बाद 1992 में पहली बार एनिमेशन के रूप में आसाही टीवी पर दिखाया गया था। 1990 से लेकर 2019 तक शिनचैन सिर्फ 5 साल का ही दिखाया गया है। शिनचैन के 80% चाहने वाले तो 1990 में पैदा भी नहीं हुए थे। शिनचैन का शो पूरी दुनिया में 45 देशों के 30 अलग अलग भाषाओं में डबिंग करके दिखाया जाता है। शिनचैन की अब तक 970 से ज़्यादा एपिसोड और 27 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी है और शिनचैन की एक नई फिल्म 2019 में भी आ चुकी है। शिनचैन टाउन में शिनचैन गेमिंग सेंटर और शिनचैन का म्यूजियम भी है और उस शहर की गलियों में आपको शिनचैन से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें को देखने को मिलेंगी। जापान के टोबू रेलवे ने कासुकाबे शहर में 3 नवंबर 2016 से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्पेशल शिनचैन के पोस्टर वाली स्पेशल ट्रेन शुरू की, जो कि 5050 की सीरीज की ट्रेन है और ये टोक्यो लाइन पर चलती है। तो अगर आप कभी जापान जाए तो इन सब जगह पर घूमना मत भूलिएगा। शिनचैन एनिमे के हिंदी डबिंग में कई करैक्टर के नाम बदले गए हैं। ओरिजिनल जापान के एनिमे वर्जन में शिनचैन का नाम है शिनोसुके, उसकी मम्मी मिक्सी का नाम है मिसे और उसके पापा हैरी का नाम है हिरोशी नोहारा। शिरो और हिमावारी का नाम सेम है, पर कई इंग्लिश वर्जन में हिमावारी का नाम डेजी नोहारा और शिरो का नाम लकी और वाइटी है। बाकी शिनचैन के दोस्तों के नाम जैपनीज और हिंदी वर्जन में सेम है। शिनचैन की हिंदी एनिमे सीरीज को हंगामा टीवी ने भारत में 19 जून 2006 में शुरू की थी। हंगामा टीवी पर शिनचैन सीरीज की शुरुआत के कुछ महीनों में बच्चों के माता पिता के हंगामा टीवी को लेकर शिकायत आने लगी थी। कारण था शिनचैन का बड़ बोलापन और बदतमीज व्यवहार और शिनचैन का कहीं भी नंगा पुंगा हो जाना, जिसको देखकर भारत के काफ़ी बच्चे उसकी नकल करने लगे थे और काफ़ी बदतमीज भी करने लगे थे। जिस वजह से शिनचैन को अक्टूबर 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ ने हैविंग न्यूडिटी की वजह से बैन कर दिया था। भारत में ये शो इतना पॉपुलर हो गया था कि हंगामा टीवी का 60% वॉच टाइम सिर्फ इसी शो की वजह से आता था। फैंस के लगातार रिक्वेस्ट के बाद 27 मार्च 2009 को इंडियन सेंसर बोर्ड ने न्यूड सीन्स और काफ़ी डबिंग एडिटिंग के बाद इसको दोबारा टीवी पर दिखाने के लिए आदेश दे दिया। शिनचैन के ओरिजिनल क्रिएटर योशितो ओसोई की सितंबर 2009 में एक हादसे में मौत हो गई थी। तब शिनचैन मांगा और टीवी पर सीरीज प्रोड्यूसर करने वाली फोटोबासा पब्लिशर्स और आसाही टीवी ने इस सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते इसको जारी रखा और 2010 के बाद से इसे क्रियोन शिनचैन के नाम से बनाया जाने लगा, जिसके बाद से ये सीरीज चलती आ रही है और जल्द ये अपना 1000 एपिसोड को भी पूरा कर लेगी। दोस्तों शिनचैन एक टाउन में रहता था और उस टाउन का नाम कासुकाबे था। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जापान में कासुकाबे नाम का एक टाउन पहले से ही था, लेकिन अब है नहीं। तो आखिर कासुकाबे टाउन कहाँ गया? शिनचैन बहुत दुनिया में मशहूर है और ये जापान में भी बहुत मशहूर है। शिनचैन का कासुकाबे टाउन इतना मशहूर हुआ कि उसे टूरिस्ट शिनचैन टाउन कह के बुलाते थे। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से जापान की सरकार ने कासुकाबे का नाम बदल के शिनचैन टाउन ही रख दिया।
शिनचैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए जापान ने शिनचैन के नाम से एक ट्रेन भी चला दी गई है। ये ट्रेन पूरी तरह से शिनचैन से रिलेटेड है, क्योंकि इस ट्रेन में आपको शिनचैन के फैन होने पे अच्छा लगेगा। इस पूरी ट्रेन पे शिनचैन और उस कार्टून के किरदार बने हुए हैं जो कि बेहद ही आकर्षित लगते हैं। शिनचैन इतना ज़्यादा मशहूर है, जापान को उसे एक ब्रांड बनाना पड़ा। ब्रांड होना बहुत बड़ी बात होती है। गुजरात को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर श्री अमिताभ बच्चन जी को वहाँ का ब्रांड बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि जापान में एनिमे बहुत फेमस है, इसलिए ही वो लोग वहाँ पे एनिमे को ही ब्रांड बनाते हैं। हम सभी शिनचैन के फैंस हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि उसे शिमला मिर्च पसंद नहीं खाने में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिन भी एपिसोड में उसने कहा है कि उसे शिमला मिर्च पसंद नहीं, उन एपिसोड को जापान में बैन कर दिया गया है। इस बैन का कारण ये है कि जापान के बच्चों ने ये डायलॉग सुन के शिमला मिर्च खाना में बंद कर दिया था। शिनचैन ज़्यादातर देशों में बैन है। जितने देशों में ये शो दिखाया जाता है उससे भी ज़्यादा देशों में ये शो बैन है। इसका कारण ये है कि शिनचैन बहुत बोलता है और कई बार बदतमीजी भी कर देता है मजाक में। सो फ्रेंड्स, ये था शिनचैन के इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।